नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप लोग देख रहे हैं मेडलैब चैनल। मेरे इस मेडलैब चैनल में दोस्तों आज का जो वीडियो है वो डॉक्स एलएस कैप्सूल के बारे में। दोस्तों इस डॉक्स एलएस कैप्सूल की यूज़ क्या है, कंपोजिशन क्या है, किस किस पर्पस में हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, इसके बारे में दोस्तों पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी आप लोग इस वीडियो में। तो बिना स्किप करके देखते रहिए ये वीडियो लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक कैप्सूल फॉर्म में मिलता है, इसमें दोस्तों आपको डॉक्स एलएस कैप्सूल ही है। और इसका दोस्तों प्राइस एक बार गौर कर लेते हैं, देख लेते हैं इसका प्राइस कितना है। दोस्तों ये 10 कैप्सूल की प्राइस है 83 रुपीज़। देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर है 83 रुपीज़ में दोस्तों आप लोगों को ये 10 कैप्सूल का एक स्ट्रिप मिल जाएगी। और ये जो ब्रांड है दोस्तों डॉक्टर रेड्डी का एक बेस्ट प्रोडक्ट है। डॉक्टर रेड्डी का प्रोडक्ट लगभग आपको इंडिया में हर मेडिकल शॉप में दोस्तों आसानी से मिल जाएगी और इसका वर्क भी दोस्तों एक्सेलेंट है। आइए दोस्तों इसका कंपोजिशन के बारे में एक बार गौर कर लेते हैं। देख इसमें दोस्तों आपको दो ही सॉल्ट मिलता है, एक है डॉक्सीसाइक्लिन एंड लैक्टिक एसिड। ये दो ही सॉल्ट दोस्तों आप लोगों को मिलता है इस कैप्सूल में और ये है डॉक्स एलएस कैप्सूल है। इस कैप्सूल का यूज किस किस पर्पस में हम लोग कर सकते हैं उसके बारे में भी एक बार गौर कर लेते हैं। जैसे कि ये आप इन्फेक्शन के लिए दोस्तों आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, जैसे कि आप मूत्र नाली में जो इन्फेक्शन होता है दोस्तों उसको सही करने के लिए एज ए एंटीबायोटिक आप इस डॉक्स एलेक्स कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि होता है जब भी आप यूरिन में इन्फेक्शन होता है, आप जब भी यूरिन या पेशाब करने के लिए दोस्तों जाते हैं दोस्तों उस टाइम आपका यूरिन में जलन होता है और साथ साथ बहुत दर्द भी फील होता है, उसके लिए दोस्तों उस दर्द से आराम पाने के लिए आप डॉक्स एलेक्स कैप्सूल का सेवन कर सकते हैं। साथ साथ वेगिना इन्फेक्शन या वेगिना में खुजली आदि इन्फेक्शन के लिए दोस्तों आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए एंटीबायोटिक। साथ साथ दांत में फूल जाना, दांत में मसूड़ा फूल जाना, इस साथ साथ दांत में दर्द है वो सब आदि प्रॉब्लम में भी दोस्तों आप एज ए एंटीबायोटिक इस डॉक्स एलएस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाखून में इन्फेक्शन हो जाए और इस प्रकार की कोई भी समस्या है दोस्तों तो आप लोग इस डॉक्स एलएक्स कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए दोस्तों इसका कौन सा सॉल्ट कितना एमजी मिलता है उसके बारे में एक बार गौर कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों इसमें देख लीजिए डॉक्सीसाइक्लिन आपको मिलता है 100 एमजी और साथ साथ लैक्टिक एसिड जो है वो भी दोस्तों इसके साथ मिलता है। तो ये दो ही सॉल्ट दोस्तों एक साथ आपको इस डॉक्स एलेक्स कैप्सूल में मिल जाता है। दोस्तों इसका सेवन करने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर का सलाह लेना जरूरी है क्योंकि ये एंटीबायोटिक है या सीरुल एस ड्रैक है। दोस्तों ये देखिए ये लाल रंग की एक रेखा है, इसका मतलब है आप इस मेडिसिन को ऐसा ही इस्तेमाल मत कीजिएगा, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आप इसको इस्तेमाल दोस्तों कर सकते हैं। आइए इसका एक बार डोज के बारे में गौर कर लेते हैं। जैसे कि ये कैप्सूल फॉर्म में है दोस्तों, आप इस एडल्ट के लिए ओनली फॉर, तो बच्चे इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। अगर आपका एडल्ट है तो दोस्तों इस कैप्सूल को सुबह एक कैप्सूल आफ्टर फूड या रात को भी दोस्तों एक कैप्सूल आफ्टर फूड, दिन में दो ही कैप्सूल इस्तेमाल आप कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम में दोस्तों। तो आइए एक बार गौर कर लेते हैं इसका साइड इफेक्ट। तो इसके इस्तेमाल करने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, ज्यादातर तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन आप इस कैप्सूल का अगर ओवरडोज लेते हैं उस सब क्षेत्र में दोस्तों आपका लूज मोशन होना, चक्कर आना और उल्टी का महसूस हो सकता है। इस टाइप की कोई भी समस्या दोस्तों आपको फेस हो तो प्लीज आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, उसके बाद आप फिर इससे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप लोग अच्छा लगा तो प्लीज एक बार मेरे मेडलैब चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बगल वाले घंटों को भी दोस्तों एक बार प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।